फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या स्टेट कोटा की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से पहले होगी या फिर बाद में होगी। तो जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो जम्मू एंड कश्मीर ने तो ये क्लियर कर दिया है J&K ने कि हम आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के बाद ही करेंगे, मीन्स जब आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा रिगार्डिंग जो भी मैटर चल रहा है उसके बाद ही हम आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर तो जम्मू एंड कश्मीर की काउंसलिंग तो ऑल इंडिया कोटा के डिसीजन के बाद ही उसकी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बोला भी गया है कि हम आपकी मेरिट लिस्ट अगर मॉर्निंग में डिसीजन आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो हम इवनिंग में आपकी मेरिट लिस्ट को अनाउंस कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बॉर्डर पे हैं, तो अगर हम ऑल इंडिया कोटा का पार्ट नहीं हो पाएंगे या नहीं काउंसिल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और स्टेट कोटा में सीटें ले लेंगे तो फिर हमारे चांसेस नहीं रहेंगे कि हम आउटसाइड इंडिया मीन्स आउटसाइड स्टेट कॉलेजेस को ले सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से पहले स्टेट कोटा की काउंसलिंग नहीं हो रही है J&K में, और चाहे वो MBBS की हो चाहे BDS की हो, ये दोनों काउंसलिंग नहीं हो रही है। और इसी तरह से बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे काउंसलिंग को रोक दिया गया है, चाहे ओडिशा हो या गुजरात में भी एक्सटेंड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन को। बहुत सारे स्टेट में मेरिट तो आ गई है लेकिन उसके आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा दोस्तों कि जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता तो आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग होना मुश्किल लग रहा है जहां तक मुझे लगता है। तो आप लोग जो परेशान हैं इस बात से लेके कि हमें स्टेट कोटा में सीटें शायद ना मिले, ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएं, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पहले होनी चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग पैरेलल ही हो, क्योंकि ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि ये एक मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और इस मैटर पे आपकी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों ही इस पे निर्भर करती है, खासकर वो स्टेट जहां पे EWS का रिजर्वेशन है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये मेरिट आ सकती है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो अलॉटमेंट है अलॉटमेंट होने में अब देर हो सकती है, अलॉटमेंट अभी नहीं होगा ये मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से पहले या इस डिसीजन से पहले कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप में से बहुत सारे बच्चे रिगार्डिंग इसके पूछ रहे थे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये जान लीजिए कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग तभी होगी जब आपका ऑल इंडिया कोटा का डिसीजन आ जाएगा जो मैटर चल रहा है, मीन्स कम से कम चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट तब तक नहीं होगा, उससे पहले की फॉर्मेलिटीज हो सकती।